बेरा दीदी तो हट जाएगी। और यहाँ पर समरीन की मेहंदी भी लग चुकी है, यहाँ पे समरीन का आधा मेकअप हो चुका है और यहाँ पे चूड़ियाँ भी पहनाई जा रही है। तो गाइस मैंने अभी ये वाली ड्रेस ट्राई की है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं मीरा बनाने, क्योंकि समरीन की गाइस एंगेजमेंट होने वाली है तो हम उसी का मेकअप कराने वाले हैं। आप लोग इतना बोलते थे और ये मजाक नहीं है, तो प्लीज आप लोग मजाक नहीं देखना, मजाक तो वैसे नहीं है। हाँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं, शुरू हो चुकी है तो इसकी ड्रेस भी ले ली है, वो पहले हमें बाहर से लेनी पड़ेगी ड्रेस, उसके बाद हमें फिर मेकअप करवाना होगा अपना, क्योंकि मैंने अभी मेकअप, फिर उसके बाद घर में डेकोरेशन करी जाएगी। उसके बाद बहुत ज्यादा भी हम लेट हो रहा है तो पहले हमें मेकअप से है ना पूरा मतलब मेकअप वेकअप करके इसको देखो इसने क्या कर रखा है। गाइस अभी हमें मेकअप वेकअप में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो वो चीज करके आते हैं, फिर आगे का हम दिखाएंगे आपको कि क्या क्या हो रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ये समरीन की एंगेजमेंट हो रही है। चलो हम चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और अब हमारा मेकअप स्टार्ट होगा। क्या होने आना तुम्हारा? अभी मैं करवाने वाली हूँ हेयर स्टाइल, ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। अभी हम अपनी हेयर स्टाइल करवाते हैं फिर आपको मिलते हैं, क्योंकि पहले हेयर स्टाइल हो रही है उसके बाद होगा मेकअप। और यहाँ पर समरीन की मेहंदी भी लग चुकी है और मेहंदी देखो कितनी प्यारी लग रही है यार। यहाँ पे समरीन का आधा मेकअप हो चुका है और वो अभी अपने आप को देख रही है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेकअप कैसा हुआ है, मेरे ऊपर सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और समरीन बहुत बड़ी वाली चूजी है तो उसको मेकअप और हेयर स्टाइल सब कुछ बहुत ज्यादा सोच समझ के करती है वो। और यहाँ पे चूड़ियाँ भी पहनाई जा रही है और इन सबसे समरीन को इतना मतलब बहुत ज्यादा हैवी हैवी लग रहा था और उसको बिल्कुल परेशानी हो रही थी, कहती मुझसे हो नहीं रहा यार, बहुत गर्मी लग रही है। और अभी जो भी बची खुची एक्सेसरीज बची हुई है वो सारी कुछ लगाई जा रही है और ये नथ पहनाया जा रहा है, जो कि समरीन पर बिल्कुल भी मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर जो भी ब्राइड होती है उनको लगाना पड़ता है, पर मुझे इस पे सूट नहीं हो रहा था क्योंकि शायद मैंने पहले कभी इसको इतनी हैवी ज्वेलरी में नहीं देखा था, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आप लोग बताना कमेंट में कि समरीन कैसी लग रही है। गाइज इन लोगों को दिल्ली से भगा दिया गया है, अब ये लोग जा रहे हैं आज अपना सामान वामान लेके मायके जा रहे हैं अपने, ये रहा इनका सामान। और यहाँ पे आए हैं मेरे कपड़े और यहाँ पे आए हैं कुछ कपड़े नहीं मेकअप कपड़ीज और मेकअप्स अभी तक नहीं खुला यार। काशिफ का और समरीन का लोशन आया है इसके अंदर। बाबुल की दुआएं ले दीजा संसार मिले। अरे यार जल्दी बोझ कम करो जाके। अरे वैसे भी आपके कमेंट में पूछते रहते थे लड़की क्यों ही आपके घर में रहती है ऑल टाइम, इसीलिए ये लड़की को भगा दिया, इसीलिए हम जा रहे हैं गाइस। आपको पसंद नहीं है तो हम आपको दुखी नहीं कर सकते, कुछ टाइम तक नहीं देखेंगे हम, बहुत दिनों बाद, कुछ दिनों के लिए बाय। फिर हम लोग आएंगे समरीन के बर्थडे में और उस ब्लॉग में आपको देखेंगे। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए ड्रेस देखने, मुझे वैसे यहाँ पे एक ड्रेस पसंद आई है वही देखने, तो मुझे एक ड्रेस यहाँ पे पसंद आई थी, मैं वही ड्रेस लेने वाली हूँ, देखती हूँ मेरे पे अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। मुझे कलर बहुत अच्छा लगा पर अभी कंफर्म नहीं है ये वाली ड्रेस है या नहीं, बाद में। तो गाइस मैंने अभी ये वाली ड्रेस ट्राई की है पर मैं और देखूंगी, मुझे देखना है कि और कैसा लग रहा है, वैसे ये कलर बहुत प्यारा है। आप बताना आप कमेंट में कि ये कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि ले लो तो मैं यही ले लूँ। एक मिनट रुको, यहाँ पे हमें आज इब्राहिम लेके जा रहा है बाहर। MALL डालो, MALL कहाँ लेके जा रहे हो गाइस? मॉल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए बहुत दिनों के बाद भी हो गए और वहाँ देखते क्या क्या होता है, जो प्लान करके आते वो तो होता नहीं है, लेकिन आज हम बहुत मजा करके आएंगे। सब चुप।
इब्राहिम मैं कैसी लग रही हूँ? बार्बी डॉल। बार्बी बोला है मैंने। अच्छा आप बोलो ना। बार्बी डॉल ये रास्ते बोला बाबरी डॉल लग रही है। मैंने नहीं बोला, मैं सच में नहीं बोलता। वो नहीं बोलता बाबरी डॉल। सामरीन आप ही खुद बाबरी बोलती है। मैं बाबरी। यार हमें बहुत मजा आ रहा है, बस में बैठे हैं, बस चला रहे हैं। हम तो चली भी थी कंडक्टर। बेरा दीदी तल जाएगी। अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, हम जा रहे हैं DLF को और वहाँ पे हमें सामान लेना है और यहाँ हमारे मतलब और भी वीडियो शूट करने की फ्रेंड्स की, तो वो हो रही है। इसने मेरे ऊपर बहुत गंदा प्रैंक किया है, बहुत गंदा प्रैंक किया। इसको अगर देखना ना आप इसके चैनल पे देखना। भाग देती है ऐसे मतलब छोड़ के अपने सलीम की गली अनारकली। इसने बहुत, मुझे पता नहीं था, इसने मेरे ऊपर बहुत गंदा प्रैंक किया और इसके चैनल पे आप लोग देखना। चैनल का नाम क्या है? प्रैंक गंदा नहीं। मैं इसके चैनल का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाती है। तू ही लेगी? नहीं लूंगी। तू ही लेगी? नहीं तू ही लेगी यार। हाँ। यार नहीं, अच्छा, मैं गलत बोल रही हूँ। अच्छा जो ये बोलते हैं मैं वही बोलूंगा। आरबी वर्ल्ड नाम है मेरे चैनल का। आरबी वर्ल्ड। हां सही बोला। आरबी वर्ल्ड नाम है इसके चैनल का, आप लोग देखना। बेइज्जती। आरबी वर्ल्ड इसके चैनल का नाम है, आप लोग देखना। प्रैंक कर दिया बहुत गंदा वाला। तो चलो गाइस अब चलते हैं हम यहाँ से पे करके। हम यहाँ पर जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे और मजे कर सकते हैं हम। और यहाँ से हमें वाटर पार्क भी दिख रहा था, मैंने देखा पहली बार ऊपर वाली फ्लोर से। कुछ बना सबने बोला इन्फेक्शन चल रहा है तो इसलिए बॉक्स मंकी चल रहा है ना, इसलिए तो गाइस हम इसलिए नहीं जा पाए, हम सेफ्टी के लिए नहीं गए। तो चलो अभी चलते हैं। हे गाइस, तो मैं कल आ गई थी घूम घाम के जो भी हुआ था, और अभी मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग जो कि आपको देखने को मिलेगी कल दोपहर 2 बजे। और ये मकासा पागल हो रहा है मक्खी के पीछे बिल्कुल। तो गाइस यहीं पे खत्म होता है मेरा ये व्लॉग, और अब आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा ये, और समरीन का मेकअप लुक कैसा लगा आपको, मतलब वो कैसी लग रही थी वैसे लुक में, उसने पहली बार क्रिएट किया था। यार वो मत दिखाओ। अब तो दिखा दिया, उसको पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रही है। मैं बहुत आंटी सी लग रही हूँ, गंदी सी लग रही, लेकिन अब आप लोग रेट करना उसके लुक को 10 में से कि कैसी लग रही है। और हाँ, उसके बर्थडे पे मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए प्लीज मुझे सजेस्ट करो को यार, उसको 18 बर्थडे पे 18 गिफ्ट देने मुझे। तो चलो अभी मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, और बर्थडे व्लॉग तो भैया समरीन के चैनल पे आएगा, लेकिन उसकी तैयारियां भी कभी मेरे पे आएगी कभी उस पे आएगी। तो अभी के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।